हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमआरआई पे। एमआरआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये जो एमआरआई हमारे पास में है, ये एमआरआई, इसके अंदर पे कुछ प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है, लाइक इसमें हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड से हम यहाँ रेजोनेंस करा रहे हैं। और ये जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड से रेजोनेंस हो रहा है, इसकी ही हम यहाँ पे इमेजिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम एमआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एमआरआई कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से यूज करना है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप एमआरआई के अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे? तो आपके पास में बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे सुपर कंडक्टिव मैग्नेट को यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुपर कंडक्टिव मैग्नेट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे दूसरा, आपके पास में यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो है आपके पास में यहाँ पे रेजिस्टिव मैग्नेट भी हो सकता है, रेजिस्टिव मैग्नेट भी हो सकता है, ठीक है। हम इसको वेरियस टाइम पे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं और किस किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसकी अलग इंडिविजुअल वीडियोस में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पे हम बात करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर किसी एक फिजिकल सिस्टम में क्या होता है, अगर किसी एक फिजिकल सिस्टम में दो एनर्जी लेवल अगर एक्सिस्ट करते हैं तो उनके अंदर पे क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है। तो इसी ट्रांजिशन को यहाँ पे रेजोनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजोनेंस कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास में कोई दो एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, हायर हो सकती है, लोअर हो सकती है। जब इन एनर्जी का एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन होता है तो उसी को ही रेजोनेंस कहा जाता है। और जब आपके पास में ये रेजोनेंस होता है, मैग्नेटिक फील्ड से आप इसको कराते हैं, तो वहाँ पे आपके पास में आता है इमेजिंग। तो आपके पास में आप इमेजिंग करते हो ऑल थ्री फेजेस का। किसका करते हो? ऑल थ्री प्लेन्स का, ठीक है। मतलब कि जितने प्लेन, तीन प्लेन्स में आपके पास में इमेज आएगी तो आप उन इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे करवाते हो या इमेजिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में आगे पे आप बात करते हैं एमआरआई की डेफिनेशन पे। तो एमआरआई जैसे कि आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो एमआरआई आपके पास में एक मैग्नेटिक इमेज या मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसको आप रेडियोलॉजी में यूज़ करते हो। कहाँ पे? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप इसको यूज़ करते हो। और ये क्या करता है? ये आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्रोसेस की इमेजिंग देता है। क्या करता है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी प्रोसेस की इमेजिंग देता है ह्यूमन बॉडी की। उसके बाद में ये इमेज कैसे फॉर्म करता है? तो यहाँ पे जिस बेस पे ये हमारी एमआरआई काम करती है वो होता है हमारा एनएमआर फिनोमिनन, हम उसको कहते हैं। ये एनएमआर क्या होता है? एनएमआर हमारे पास में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस, ठीक है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो रेजोनेंस होता है ये क्या होता है? देखिए, हमारे पास में क्या होता है कि आपके पास में एक कोई एटम है, रेंडम एटम है, ठीक है। वो कहीं पे भी आपने आपको क्या कर रहा है, मान लीजिए कि ये कोई आपके पास में एक न्यूक्लियाई है, ये रेंडमली कहीं पे भी स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है? रेंडमली कहीं पे भी स्पिन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, क्या कर दो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में, आपने मान लीजिए इसको रख दिया, तो इसका क्या हो गया? ये इधर पे आपका अगर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो ये क्या होगा कि आपके फील्ड के अलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अलाइन हो जाएगा। जब आप किसी भी न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे रखते हैं तो वो उसके अलाइन हो जाता है। लेकिन उसके अंदर पे हमें एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर इस टाइम पे आप इस न्यूक्लियाई पे कोई रेडिएशन क्या कराते हो, इंट्रैक्ट कराते हो, क्या करते हो, कभी कोई रेडिएशन इंट्रैक्ट कराते हो, तो इसके अंदर पे हमें दो प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। एक तो इसके अंदर पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। क्या है? एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और दूसरा, इसके अंदर पे री एमिट करने की पावर भी, एबिलिटी भी इसके अंदर पे दिखाई देती है। मतलब कि पहले तो ये उस रेडिएशन को अपने अंदर पे एब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरा ये उसी रेडिएशन को अपने का क्या करेगा, री एमिट भी
कर देगा, मतलब अपने से बाहर भी निकाल देगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमें किसी न्यूक्लियाई, ये सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियाई के अंदर पे प्रेजेंट होता है, सबके अंदर पे नहीं होता है, और इसी प्रोसेस को हम एनएमआर फिनोमिनन बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एमआरआई के अंदर पे हम कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को यूज करते हैं, तो वो हम जो यूज करते हैं वो होती है हमारी 1 to 80 megahertz की। कितनी होती है? 1 to 80 megahertz की रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को एमआरआई में हम यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास में हमारी जो एमआरआई है, एमआरआई की हिस्ट्री क्या है। देखो, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को किसने यहाँ पे आके डिस्क्राइब करा। हमारे पास में सबसे पहले 1882 में आए निकोलस टेस्ला, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। किसने? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जिसने इंट्रोड्यूस करा, उनका नाम था निकोलस टेस्ला, और कब किया था? 1882 के अंदर। उसके बाद में हमारे पास में आए हमारे तीन साइंटिस्ट, जिनका नाम था आइसोडोर रैबी, उसके बाद में एडवर्ड पर्सेल और फेलिक्स ब्लोच। इन्होंने आके एक एक्सपेरिमेंट बताया जिसको हम कहते हैं एनएमआर। एनएमआर की डिस्कवरी हमारे इन्हीं तीन साइंटिस्ट ने करी थी 1946 में। कब करी थी? 1946 में। और इन्होंने हमारे पास में एनएमआर को बताया कि एनएमआर ये होता है कि हमारे पास में जब किसी कुछ ही एटम ऐसे हैं, न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, उसके बाद में उनके अंदर पे एब्जॉर्प्शन और रीएमिट के एबिलिटी आपको शो होती है। फिर उसी के बाद इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट ये करते रहे, और 1970 तक इन्होंने जो है एनएमआर सिग्नल से इमेजिंग फॉर्म करी हमारे फिजिकल और केमिकल पार्टिकल्स की, ठीक है। तो ये एनएमआर सिग्नल से वहाँ पे इमेजिंग का फॉर्मेशन करते रहे। कब तक? 1970 तक। उसके बाद में 1970 में हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनको हमने फादर ऑफ एमआरआई भी बोला है, उनका नाम है सर रेमंड डेमेडियन। तो सर रेमंड डेमेडियन जब आए, तो इन्होंने क्या करा कि हमारे एक लिविंग स्ट्रक्चर पे, किस पे? लिविंग टिश्यू ऑर्गेनिज्म पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा। एनएमआर से ही ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा, और उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम इससे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पे कोई डिजीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये इन्होंने कब बताया? 1970 में। कब बताया? 1970 में सर रेमंड डेमेडियन ने हमारी सबसे पहले जो एमआरआई करी, वो एमआरआई करी लिविंग स्ट्रक्चर पे 1970 में। और उन्होंने क्या बताया कि हम लिविंग स्ट्रक्चर से किसी डिजीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। उसी के एक साल के बाद उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट करा, और उसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास में जो कैंसरस टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं? जो कैंसरस टिश्यू होते हैं उनके पास में ज़्यादा वाटर होता है मोर देन हेल्थी सेल के। मतलब कि जो हमारे पास में नॉर्मल सेल होते हैं उनके पास में कम वाटर होता है, और हमारे जो कैंसरस सेल होते हैं उनके पास में ज़्यादा वाटर होता है। तो ये कंक्लूजन इन्होंने 1971 पे दिया। अब यहाँ से जब 1971 पे इन्होंने ये सब चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर दिया, डिस्कवरी कर दी, तो यहाँ से इन्होंने एक मशीन को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो मशीन क्या थी, कैसी थी, हम उसके बाद में अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। उसके बाद में ये सब होने के बाद हमारे दो साइंटिस्ट और आए, जिनका नाम था पॉल लुटरबर्ग और पीटर मैंसफील्ड। इन्होंने 1973 में आके एक एक्सपेरिमेंट करा, मतलब कि हमारे पास में इन्होंने दो नई कॉइल्स का यूज़ किया। एक थी हमारी ग्रेडियंट कॉइल और एक थी हमारे पास में रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में ग्रेडियंट कॉइल और रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल से इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इको प्लैनर इमेज, मतलब कि एक सिस्टम की इमेज यहाँ पे इन्होंने फॉर्म करी। और ये जो इमेज इन्होंने या जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ये एक फिंगर का एमआरआई थी। क्या थी? फिंगर की एमआरआई। और इसके अंदर पे जो इन्हें एक इमेज की फॉर्मेशन करने में टाइम लग रहा था, वो टाइम इनको लग रहा था 15 to 20 मिनट एक इमेज निकालने में, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब इन्होंने, जब ये पहले एमआरआई सिग्नल्स होते थे या इन्होंने जो लिविंग स्ट्रक्चर पे, इसमें हमारा बहुत लंबा टाइम लगता था, मतलब कि 3 to 4 hours इसमें हमारे लग जाते थे एक इमेज फॉर्म करने में। लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी कोयल और ग्रेडियंट कोयल को यूज़ किया, तो इसमें सिर्फ हमारा जो टाइम टेकिंग था वो 15 to 20 मिनट यहाँ पे लग रही थी एक इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे पास में 1977 में जो मशीन सर रेमंड डेमेडियन, ये हमारे पास में सर रेमंड डेमेडियन है, तो इन्होंने अपनी मशीन को, जब अभी हमने बात करी, अपनी मशीन को कंप्लीट कर लिया। और ये जो मशीन हमारे पास में थी, इस मशीन का नाम था
इंडोमिटेबल, क्या मशीन का नाम है, इंडोमिटेबल। और इस मशीन के अंदर पे आप होल बॉडी स्ट्रक्चर का एमआरआई कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको एब्डोमेन का करना है एब्डोमेन का कर लोगे, थोरेसिक का करना है थोरेसिक का कर लोगे, शोल्डर का करना है नी का करना है, पेल्विस का करना है, तो जिस भी बॉडी स्ट्रक्चर का आप यहाँ पे एमआरआई करना चाहते हो आप इस मशीन के अंदर पे इस एमआरआई को आप कर सकते हो। और ये जो स्ट्रक्चर, ये जो मशीन आपकी होती थी, ये होती थी आपकी डोम शेप की, किसकी होती थी, डोम शेप की। और इस मशीन को कहा जाता है इंडोमिटेबल, क्या कहा जाता है, इंडोमिटेबल एमआरआई। और ये जो आपकी डेवलप की गई या जो आपकी कंप्लीट हुई, ये हुई 1977 में। हम बहुत सारे बार में यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारी जो एमआरआई का होना स्टार्ट हुआ या एमआरआई का जो डिस्कवर हुआ या एमआरआई जहाँ से होना स्टार्ट, देखो हमारी एमआरआई बहुत पहले से हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो फुल बॉडी का स्ट्रक्चर हमारी एमआरआई होनी स्टार्ट हुई है, ये हमारी 1977 से होना स्टार्ट हुई है। तो हमारे पास में जो हमारी एमआरआई की हिस्ट्री है वही ये, वो ये हमारी एमआरआई की हिस्ट्री है। तो इसी तरीके से हमारे पास में, हम नेक्स्ट वीडियोस में मैग्नेट के ऊपर पे बात करेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमारा एनएमआर क्या होता है, उसके बाद में हम सारे एक एक लेक्चर्स यहाँ पे एमआरआई का अब करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एनएमआर के ऊपर बात करने वाले हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम बात करेंगे, और भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।